तुम ज्यादा ये कर रहे हो ना, फिर से बाइक उठा दिया तुमने। अरे हम उठाया, कुछ गिरेगा तो ऑन तो किया तुमने भाई, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? अरे फड़ीवा में चलाना आता है, मतलब हम चलाते हैं। मजा आया, वहां तक हम जाएंगे। जाओगे? हाँ फिर मैं घर जाता हूँ, तुम जाओ कहीं पर भी, तुमको जाना है जाओ। गाइस अब मैं इसको देने वाला हूँ एक राइड। चलो बैठो यहाँ पर, हल्का सा थ्रॉटल दो, चलो तुम्हारा भी ड्रीम पूरा हो जाएगा। हल्का सा गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो ये रही अपनी चिली हैन एग्जॉस्ट लगाने के बाद, मैंने आप लोगों को एक बार भी इसका ना वार्म अप साउंड नहीं सुनाया, तो आज फर्स्ट टाइम के लिए वार्म अप साउंड आप लोग सुन लो। एंड आप लोगों को तो पता ही रहेगा कि वार्म अप के टाइम में थोड़ा ज़्यादा आवाज़ होता है बाइक का। एनीवेज गाइस, इसको लगाकर मतलब एग्जॉस्ट को लगाकर ना मैंने एक संडे राइड मार लिया, बट मुझे ज़्यादा कुछ जचा नहीं। मैंने यूट्यूब में वीडियो भी डाल दिया इस एग्जॉस्ट के ऊपर संडे राइड मारकर, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि नहीं भाई ये एग्जॉस्ट जच नहीं रहा है, तो तुम एग्जॉस्ट चेंज कर लो, ऑल लाउड एग्जॉस्ट लगाओ। तो जी हाँ गाइस, मैंने भी देखा कि वैसा कुछ लाउड साउंड हो नहीं रहा है, मतलब जच नहीं रहा है यार, मज़ा नहीं आ रहा है। जब मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ या गियर ड्रॉप कर रहा हूँ ना, तो वो जो एक साउंड होता है प्रॉपर, वो आवाज़ नहीं आ रहा है। एग्जॉस्ट वैसे ख़राब नहीं है, मतलब परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट है, पावर वगैरह अच्छा मिल रहा है, बट वो जो लाउड साउंड है ना, वो एग्जॉस्ट नहीं दे पा रही है। तो अभी कुछ दिनों के लिए वाला एग्जॉस्ट लगा रहने देते, उसके बाद ना मैं इसमें थोड़ा लाउड एग्जॉस्ट लगाऊंगा, ठीक है? जैसा कि है एरो, तो एरो मेरा मोस्ट फेवरेट है, उस एग्जॉस्ट को लगाएंगे। एंड बाकी अगर अभी का बात बोला चाहे, देन अभी मैं थोड़ा सा निकल चुका हूँ अपने बाइक को लेकर, वैसे कुछ काम है नहीं, थोड़ा सा बस राउंड मारने के लिए मैं निकला हूँ आसपास में घूमने के लिए। सोचा एक छोटा सा व्लॉग बना लेंगे, क्योंकि रेगुलर बन के रहना पड़ेगा ना। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक डे का गैप दे देकर मैं व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, मतलब अगर आज अपलोड किया तो कल का दिन गैप, देन परसों को फिर से नेक्स्ट वीडियो, तो रेगुलर रहना पड़ेगा। तो बस चलो गाइस, एंजॉय करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो फटाफट, नीचे दिया हुआ है रेड सब्सक्राइब बटन। एंड अभी चलते हैं, देखते किधर चलते हैं। थोड़ा और आगे में निकल जाना तो सही रहता यार, अभी ऑलमोस्ट सनसेट होने का टाइम हो चुका है, थोड़ी देर बाद ही सनसेट हो जाएगा। एक काम करते हैं, अपना सोसाइटी का इधर ना थोड़ा सा एक जगह है, वहां पर चलते हैं। इधर थोड़ा खाली खाली सा रोड मिलेगा, इधर मैं पहले भी बहुत बार आ चुका हूँ यार। गाइस ये जो बाइक है ना, S1000 RR, दिस इज स्टैंडर्ड, बट अगर देखा जाए तो इस बाइक में कुछ कमी नहीं है, सिवाय एक चीज का जो एक्चुअली मुझे फील होता है, एंड दैट इज क्रूज मोड। मतलब इसमें व्हीली लॉन्च कंट्रोल नहीं है, नो नीड यार व्हीली लॉन्च कंट्रोल, अपने हाथों में है। अगर मन करे ना तो विदाउट व्हीली लॉन्च कंट्रोल में इसी में व्हीली मार दूं, तो व्हीली लॉन्च कंट्रोल का जरूरत नहीं है। हीटर ग्रिप भी मिलता है, वो भी जरूरत नहीं है, खून गर्म है ठीक है, तो हीटर ग्रिप का भी जरूरत नहीं है। बस मिस कर रहा हूँ मैं एक चीज, वो है क्रूज कंट्रोल। तो क्रूज कंट्रोल मिल जाता बाइक में ना तो मजा आ जाता, नो वरी। मैंने सुना है कि आफ्टर मार्केट क्रूज कंट्रोल अराउंड कुछ 65,000 लगता है ओरिजिनल BMW का, तो वो इंस्टॉल करवा देंगे। इधर का रोड पूरा खाली खाली सा है, इसलिए मैंने भगा दिया, बट सामने ना मेरा गाय है। अरे क्या हुआ भाई, अरे हटो ना यार, मुझे डर लगता है यार। मैंने बहुत वीडियोस में देखा है ना कि लाउड बाइक्स देखकर मतलब वो अटैक करने के लिए आते हैं। हाँ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अरे अरे बाप रे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। चलो यहाँ पर रुकते हैं यार। और ये गाइस आप लोग साइड में देख सकते हो, दिस इज एक्चुअली आवर सोसाइटी।
ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं कुछ इस तरीके का एक जगह में आ चुका हूँ, थोड़ा सा एम्प्टी है एक्चुअली ना। मुझे आप लोगों को इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुनाना था एंड बाहर में करेंगे यार फिर वो क्राउड वगैरह जमा हो जाएगा या सब लोग देखेंगे, वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता। एंड सबको नॉइस पॉल्यूशन से मतलब इरीटेट करना वो भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। बाय द वे गाइस, एग्जॉस्ट मैंने लगा दिया है। अब ना इस बाइक में एग्जॉस्ट लगाने के पहले अराउंड कुछ मैंने 3000 किलोमीटर इस बाइक को राइड कर लिया था। तो जब स्टॉक था, स्टॉक में वैसा साउंड होता नहीं है आप लोगों को पता है, तो मेरा मन था कि एग्जॉस्ट लगाऊंगा बट लाउड एग्जॉस्ट लगाऊंगा, तो मैंने ए वाला एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवाया। इसका साउंड मैं आप लोगों को एक बार सुनाता हूँ, ठीक है। मतलब चलो सही है, परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस अच्छा है, तो लाउड है, ऐसा नहीं है कि लाउड नहीं है। तो गाइस मतलब बाइक लाउड है बट जो लाउडनेस मुझे चाहिए वो लाउडनेस नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अभी कुछ दिनों के लिए इसको रहने देते, ठीक है, उसके बाद मैं इसमें इंस्टॉल करवा दूंगा शायद से एरो या तो ऑस्टिन रेसिंग, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लाउड साउंड देता है। अच्छा भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। हाँ बोलो। अरे फोन तो दो अपना। देखो अभी हेलमेट कहाँ पर रखूँ मैं, ऐसा हेलमेट अपने सर में पहन लेता हूँ क्योंकि रखने का जगह नहीं है। दो अपना फोन दो भाई 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 भाई, एक स्टैंड से मत उठाओ ना। सुनो ना, देखो तुम इधर वाला पैर उठाओ ना, मैं ऐसा उठा दूंगा कि तुम समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छा उठा दिया, थैंक यू। अरे भाई यार क्या बोल रहा है बंदा। भाई भाई सुनो, एक अरे मेरा बात सुनो ना भाई, इसको रखो पॉकेट में रखो, मैंने फोटो उठा दिया तुमको, ठीक है। अरे भाई हमको एक बार क्या स्टार्ट करने का मौका था, हम एक बार भाई हम इसका साउंड सुनेंगे। अभी अभी तो साउंड किया मैंने, तुमने सुना ना? अरे हम दूर से सुना है, सामने था, हम सुने। तो एक बार, अरे भाई साहब, अरे भैया हम इस बार नहीं, मैं हम फेंकेंगे नहीं आपका, लुक करेंगे भैया, प्लीज भैया। तुम क्या मुझे YouTube पे देखते हो? हाँ। भाई गिर जाएगा भाई, स्टैंड में रख दो स्टैंड, देखो पूरा बैलेंस है। तुम्हारा पैर नहीं पहुंच रहा है भाई, क्या कर रहे हो तुम, स्टैंड से उठाना मत बाइक भाई। भाई सुनो ना, तुम बाइक रख दो भाई। ये बंदा कहाँ से आ गया यार, तुम मेरा वीडियो देखते हो क्या? क्या नाम है बोलो तो मेरा, शेख बाइकर भाई जाहिर, मतलब शेख जाहिर तो मेरा नाम है पूरा। YouTube चैनल का नाम क्या है? देखो बंदा भूल गया यार, पकड़ा गया ना तुम, सच बोल। अरे बाइकर भाई जाहिर ही नाम है YouTube चैनल। तो यहाँ से देख लिया क्या यहाँ पर? सच बोलो सच बोलो। नहीं 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 नहीं, सच बोल लो भाई। सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तुम बाइक में बैठा, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तुम सब्सक्राइबर लोग तुम लोगों के लिए, बट बाइक ना भारी है बहुत, गिर जाएगा, ठीक है, रख दो। अरे ठीक है, अभी मैं एक बार व्लॉग बना रहा हूँ ना एंड के टाइम में, ठीक है। ऐसा मुँह क्यों बना रहे भाई? अरे भाई क्या हुआ? अच्छा ठीक है, आराम से, हल्का सा। नहीं भाई मत घुमाओ, तुमने बोला एक बार चालू करना है, तुमसे भी इसको दबाओ हल्का सा, पिकअप वगैरह मत देना, ठीक है ठीक है। मजा आया? चलो अभी उतर जाओ बाइक से, उतर जाओ भाई। भाई स्टैंड देख लो, ठीक है। ओके भाई, ओके थैंक यू यार। अच्छा था, क्यूट बंदा था यार, बहुत सारे ऐसे मतलब सब्सक्राइबर लोग मिल जाते हैं। नो वरी यार, क्यूट बच्चा था। एंड क्या है यार, बाइक तो मतलब मेरे भाई लोगों के लिए है, उनका प्यार की वजह से मैंने बाइक को खरीदा है। तो एक चीज़ आप लोगों को बताना यार, मैं इंटरप्ट हो गया, नो वरी यार, ठीक है चलता है। एक चीज़ यार, मैं हेलमेट को रख देता हूँ यार। तो गाइस एक और चीज़ मुझे बोलना है आप लोगों को, वो थोड़ा सा मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो है गाइस कि मतलब आज मैं मिला अपना जो फिरोज भाई है कस्टम कोटिंग, उनके यंगर ब्रदर से, ठीक है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो एक्चुअली गाइस ना, भैया
मतलब यार ये बंद पीछे पड़ गया मेरा। हाँ बोलो। अरे तुमने तुमने तो बैठा ना। अरे बैठा यार एक बार। तुमको मैं व्लॉग में ले रहा हूँ ठीक है। व्लॉग में ले रहे हो तो ठीक है भैया। एक बार हमको बैठ के एक बार सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ठीक है। तुमको बैठना एक बार बैठो, एक बार बैठो। मैं एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट शॉट है वो ले लूँ ठीक है। मैं आ रहा हूँ ठीक है। तुम इधर बैठो भाई, स्टैंड से मत उठाना ठीक है। कौन तो किया तुमने भाई, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? मतलब नहीं वो ठीक है। मतलब तुमने अभी क्या बोला? क्या बोला? चलाना प्लीज भैया, हम चलना। अरे अरे भाई भाई भाई, 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 भाई तुम मजाक कर रहे हो। क्या क्या क्यों क्या क्या वहां तक जाएंगे प्लीज भैया। तुम पागल हो गया क्या? वहां तक जाएंगे सामने तक, वहां तक देखिए वहां पर पत्थर गिरा है ना, वहां पर वहां भैया प्लीज भैया। अरे भैया क्यों क्यों अरे क्या कर रहा है? तुम सुनो क्या हुआ क्या हुआ। अरे बच्चा नहीं ये चलाना नहीं दे सकता हूं मैं, ये बहुत भारी बाइक है ठीक है। अरे हम तो बैठ के हम बैलेंस नहीं, अरे बैठना अलग है बैलेंसिंग अलग है ठीक है। मगर बाइक एक कितना किसी का बाइक है पता है तुमको? ठीक है सब पता है तुमको, फिर भी तुम बोलो कितना पावरफुल बाइक है। अब तो पावरफुल है तो नहीं 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 मैं चलाने नहीं दे सकता हूँ भाई। लकड़ी यहाँ तक भाई, ये क्या कर रहा है बंदा भाई? नहीं नहीं एकदम नहीं एकदम भाई, भाई मेरा बाइक है। अरे क्या हुआ क्या क्या क्या? हाँ क्या मत लीजिए, हमको वहाँ तक जाने दीजिए प्लीज भैया। क्यों तुमको बाइक क्यों चलाना है? हमको कभी मौका नहीं मिलेगा अभी तो। मौका का क्या बात है, तुम अभी कौन से क्लास में हो? 9th क्लास में भैया। तो भाई पढ़ाई करो ना, हम छोड़ के आपके साथ दिखा करना है ट्यूशन। हाँ ट्यूशन छोड़ के आपको दिख गया इसलिए ठीक है। मगर बाइक में चलाना नहीं देख सकता ना, तुम्हारा उम्र भी कितना उम्र है? 16 प्लस। तो 16 प्लस में तुम्हारा तो लाइसेंस भी नहीं बना, तुमको कैसे मैं बाइक चलाने दूँ? और तुम स्कूटी कैसे चला रहे हो? ओ अच्छा 16 में स्कूटी अलाउड है ना। हाँ। भाई बाइक में क्या कर रहा है? क्या है क्या तुमको क्या बाइक चलाना है? ठीक है जाओ नो प्रॉब्लम जाओ, क्या करे यार चलाना चाहता है चलाओ चलाओ। तो अब याद आया कि चाबी नहीं है, चाबी तो मेरे पॉकेट में है। भाई सुनो ना एकदम मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे छोटे भाई ऐसे हो ना, मेरा भाई भी क्लास 9 में पढ़ता है ठीक है। तो ये बाइक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो हमको इसका कोई बात नहीं है कि एक गिरेगा मगर तुम गिरोगे तुमको चोट लगेगा ठीक है। हमको चोट लगेगा कुछ नहीं, बाइक को बचाएंगे। वैसा नहीं है, ये बाइक तुम चला ही नहीं पाओगे ठीक। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं नहीं अच्छा मैं देखो मैं एक चीज़ बोलूँ तुमको, एक चीज़ मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ वो है क्या? चलो मैं तुमको एक राइड दे देता हूँ, तुम पीछे बैठो ठीक है। एक बार अरे अरे भाई अरे क्या तुम्हारा गर्लफ्रेंड भाग जाएगा? अरे गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड को फोटो बोल रहा है कि गर्लफ्रेंड को दिखाऊंगा इसलिए यार। गर्लफ्रेंड मतलब बंद दोस्त लोग को दिखाऊंगा। हां सच पहले झूठ क्यों बोल रहा है? झूठ मतलब गर्लफ्रेंड निकल गया भाई। गर्लफ्रेंड देखो 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 तुम पीछे बैठो मैं तुमको राइड देता हूं ठीक है। अरे एक बार भाई तुम ज्यादा ये कर रहे हो ना, फिर से बाइक उठा दिया तुमने। अरे हम उठाया कुछ गिरेगा नहीं, अगर गिर गया तो? अगर गिर गया तो गिरेगा नहीं ना। अरे क्या बंदा है यार, मेरा सर दुख रहा है ठीक है। मैं तब से हेलमेट ना यहाँ पर रखा है मैंने सर के ऊपर, मेरा सर दुख रहा है, मैं यहाँ पर रख देता हूँ यार। हेलमेट हमको दे दीजिए हम पहनेंगे। अरे वाह हेलमेट हमको, मेरा पैंट भी खोल। वो नहीं खोलेंगे। मैं आया था यहाँ बट एक सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, और ये बंदा मुझे मिल गया जो मुझे इरिटेट भी कर रहा है बट मुझे अच्छा भी लग रहा है यार। क्या बोलूँ मैं इसका, क्या बोलूँ मैं? फाइनल बात बोल रहा हूँ मैं तुमको, ये बाइक राइड करने के लिए नहीं दे सकता, मैं एक्सट्रीमली सॉरी। बट अगर तुम चाहो तो हम लोग वहाँ से राइड मार के आ सकते हैं। वहाँ तक हम जाएंगे। जाओगे? हाँ ठीक है मैं घर जाता हूँ, तुम जाओ कहीं पर भी तुमको जाना है जाओ। देखे जाइए भाई तुम चुपचाप से बाइक रख दो वहाँ पर, स्टैंड पे रख दो। भाई तुम ज्यादा कर रहे हो भाई, भाई क्या ज्यादा कर रहा है भाई, ज्यादा कर रहे हो, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है भाई। बाइक नहीं चलाने दे सकता हूँ ना मैं, वहाँ तक जाएंगे। तुमको पता भी है कौन सा बाइक है? हाँ कौन सा? BMW टेनार। सही बोला। अरे
जाइयो भैया भाई नहीं भाई थोड़ा सा भैया भाई नहीं भाई नहीं भाई कभी मौका नहीं मिलेगा भाई देखो तुम्हारा यहाँ पे रहता भी नहीं है कभी मौका देखो तुम्हारा उम्र भी नहीं हुआ तुम छोटे हो तुम्हारा कुछ नॉलेज नहीं एक्सपीरियंस नहीं कुछ नहीं है ठीक है मैं बोल रहा हूँ मेरा बात मानो तुमको मैं एक राइड दे देता हूँ हल्का सा अरे भाई क्या बंदा क्या है भाई मैं मजबूरन इसको इंक्लूड कर रहा हूँ वीडियो में मतलब जिंदगी में ऐसा बंदा मैंने देखा नहीं है जो इतना रिक्वेस्ट करता है यार देखो बाइक तो मैं चलाने देने से रहा मैं नहीं दे सकता हूँ वो तुम कुछ भी कर लो ठीक है मैं ए, 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 देखो अब क्या करना पड़ेगा मैं बोलूँ हाँ, हाँ? मुझे बाइक लेकर यहाँ से चलाना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि तुम सीरियसली राइड दे दीजिए हम हाँ बोल रहा हूँ ना चलो पीछे बैठो मैं राइड देता हूँ अरे भैया अरे भाई गलत भाई इसमें मैंने क्या गलत कर दिया भाई 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 नहीं 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 एक बार छोटा भाई समझ के तुम्हारा ट्यूशन है ना जाओ पढ़ने जाओ जाओ चलो 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 ट्यूशन 6 बजे तो 6 बज गया ना 6 बजे नहीं भाई 6:15 हो गया चलो 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 ओके ओके थैंक यू भाई 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 चलो तुमको मैं हाँ पीछे बैठो ठीक है चलो भाई मान गया लड़का मान गया ठीक है आराम से बैठो ठीक है फोन पकड़ लो ठीक है रिकॉर्डिंग चल रहा है ना गाइस अब मैं इसको देने वाला हूँ एक राइड चलो बैठो अरे मेरा हेलमेट यहाँ पर मैं रख के जा रहा हूँ ठीक है कोई गायब ना कर दे बैठो 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 आराम से आराम से इतना बकाया मुझको इतना इरिटेट किया बट देखो एक काम करो यहाँ पर हल्का सा थ्रॉटल दो चलो तुम्हारा भी ड्रीम पूरा हो जाएगा हल्का सा अरे बाप रे भाई हल्का एकदम हल्का चलो तुम्हारा ड्रीम पूरा हो रहा है चलो चला लिया ना भाई चलो यार यार मुझे भी खराब लग रहा था कि बंदा इतना बोल रहा है यार मुझे खुद खराब लग रहा था बट रुको मैं बाइक तो रोक दूं यार मुझे खुद खराब लग रहा था बट इसका अगर थोड़ा सा उम्र ज्यादा होता ना तो शायद से मैं इसको अलाउ कर देता शायद से यार ऐसा नहीं करते ना ठीक है अब ठीक हुआ हाँ, भाई तुम्हारा हार्ट बीट क्यों तेज हो गया अरे उसका हार्ट बीट तेज हो गया चलो थैंक यू भाई मैं एक बात बोलूं 6 बजे ट्यूशन था ना 6:30 हो रहे 6:30 नहीं अराउंड को 6:20 हो रहे नहीं 6:16 हो रहे हैं ठीक है 6:16 हो रहा है तो एक काम करो यहाँ से दौड़ के जाओ जाओ ट्यूशन यार क्या बंदे है भाई गाइस जब मैं छोटा था ना मतलब कुछ होगा जब मेरे पास सुपर बाइक नहीं था मैं ये अंकल अली हैदर हम सब लोग ना मिलकर हाईवे के सामने खड़े होकर बाइक्स देखते थे तो अभी अंकल यहाँ से वॉकिंग कर रहा था तो मुलाकात हो गया तो मतलब जब मेरे पास शायद से R15 था एंड हम लोग हाईवे पे रुकते थे रुककर सुपर बाइक देखते थे संडे मॉर्निंग को तब ये अंकल भी रहता था अंकल तो उम्र में बहुत ज़्यादा है बट उनका पैशन था तो वो भी थे मैं भी था और भी भाई लोग सब थे तो बाइक देखते थे आज मैंने बोला अंकल याद आ रहा है मैं हम सब एक साथ थे हम लोग बाइक्स देखते थे तो आज देखो मेरा भी बाइक अपने पास है तो मैंने बोला ये क्या वही उसी टाइप का बाइक है मैंने बोला हाँ अंकल वो उसी टाइप का बाइक है और ये तो मेरा 6th नंबर बाइक है इसके आगे और भी 5 बाइक्स था जो मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया यार टाइम कितना ज़्यादा गुजर जाता है एनीवेज गाइस यार वो भाई आए वो भाई यार बच्चे भाई वो मतलब क्यूट थे मतलब स्वीट थे थोड़ा सा इरिटेट किया मेरा थोड़ा मोटिव था आज दूसरा कुछ वीडियो बनाने का बट वो अगर ना मतलब अगर बोला जाए तो वीडियो बेकार तो नहीं हुआ थोड़ा इसमें मसाला डाल दिया उसने
तो जो भी हो यार, उसका भी ड्रीम था एंड शायद से मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी का ड्रीम पूरा कर पाता हूँ, तो अच्छा लगा यार, उसको भी थोड़ा सा राइड दे दिया, उसका भी थोड़ा ड्रीम पूरा कर दिया। एंड गाइस यस, थोड़ा सा जो इम्पॉर्टेंट बात था वो मैं आप सबसे शेयर कर दूँ, वो है कि जो चीज़ मैं पहले ठीक से बता नहीं पाया बिकॉज ऑफ दैट गाय, तो जो कस्टम कोटिंग है ना भाई, तो उनका जो काम है आप लोगों को पता है कितना अच्छा काम था, मतलब एकदम A1 काम था। मेरा IC, मेरा मिल्की, मेरा Z4 सब में कस्टम वर्क उन्होंने ही किया। और अभी फिरोज़ भाई नहीं है, तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि फिरोज़ भाई चले गए तो कस्टम वर्क नहीं होगा। उनका जो भाई है, छोटा भाई, वही अब इस काम को संभालेंगे एंड वो भी वैसा ही काम देंगे जैसा फिरोज़ भाई देते थे। एंड उनका जो लेगेसी था फिरोज़ भाई का, वो लेगेसी उनके छोटे भाई वो आगे बढ़ाकर लेके जाएंगे। तो आप लोग सपोर्ट करो, ठीक है। मैं फिरोज़ भाई का यंगर ब्रदर का नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको भी अपने गाड़ी के ऊपर, अपने बाइक के ऊपर कुछ भी कस्टम वर्क करवाना है तो डू कॉन्टैक्ट हिम, डू सपोर्ट हिम, क्योंकि अपना जो फिरोज़ भाई का जो कस्टम वर्क है वो रुकना नहीं चाहिए, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। सो डू सपोर्ट हिम। एंड अभी मगरिब का टाइम भी हो गया है तो मुझे घर जाना पड़ेगा नमाज के लिए। तो यस गाइस, इस वीडियो को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ऑलरेडी वीडियो में बहुत तड़का लग चुका है। तो होप सो आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया, सो प्लीज़ लाइक करो, नीचे दिया हुआ है रेड सब्सक्राइब बटन उसको दबाओ एंड पास लगे हुए बेल आइकन को भी दबाना, नोटिफिकेशन ऑल कर देना, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना, बाइकर बॉय जाहिर नाम है। एंड यस, स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग रोड ट्रिप्स। एंड रोड ट्रिप से मतलब यार बाइक लेकर भी करूंगा, कार लेकर भी करूंगा, ठीक है। तो यस गाइस, साइनिंग ऑफ, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।